Hello students, welcome here again on my channel जानकारी हित, myself हित अभिलाषी शर्मा। आज ऐसी गल करांगे अकाउंटेंसी का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਥਿਓਰੇਟਿਕਲ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਲਸ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਫੀਚਰਸ, ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਬਿਲਸ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਸਪੈਸੀਮਨ ਆਫ ਬਿਲਸ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ, days of grace and due date, how to calculate due date and the promissory note। अब इस सारे दे बारे गल करने लिए आओ अज दी वीडियो दे विच अगे वधीए। पर उस तो पहला बड़ा इंपॉर्टेंट अलर्ट है एक सारे दे लई कि इस वीडियो नूं जेकर कंप्लीटली समझना है कंटेंट नूं, कंप्लीट वीडियो देखो टिल एंड तक, फुल स्क्रीन करके देखो तुहाडे डिवाइस दे उत्ते, ईयरफोन या हैडफोन नूं यूज़ करो ताकि हर कंटेंट तुहानूं क्लीयर हो सके बिना किसी डिस्टरबेंस तो। तो स्टूडेंट्स गल करते हैं अज के बड़े इंपॉर्टेंट इशू जिहदे बारे अज दी लैक्चर असीं तुहाडे नाल सांझा कर रहे हैं, दैट इज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज है की है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग अंडर सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सम ऑफ मनी only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument। बहुत important शब्द ने एक एक। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, जिन्हों असीं फाइनेंशियल औजार कह सकते हैं। एक तरह का लिखिया होया साढ़े देश दे विच आज़ादी तो पहला दा ईवन 19वीं जिहड़ी सेंचुरी सी उदों का एक नैगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। उस दे विच सैक्शन 5 के अनुसार जो कोई दो पार्टीज़ दे विच लेन देन दे संबंधी कोई समझौता हुंदा सी, वो इस एक्ट के अंडर हुंदा सी। ये भी अंडर नैगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सैक्शन 5 के अनुसार एक लिखती इंस्ट्रूमेंट है कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, जिस दे विच बिना किसी कंडीशन तो एक ऑर्डर हुंदा है जिसनों साइनड बाय द मेकर, जिसनों बनाने वाला इस ते साइन करता है, मतलब ऑर्डर करने वाला खुद बना रहा है ते साइन कर रहा है, डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन किसी व्यक्ति को हुक्म दिंदा है टू पे अ सम ऑफ मनी कि वो पैसे दवे, ओनली टू या तो उसनों और ओनली टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन या उसके हुक्म अनुसार उस किसी होर व्यक्ति को, और टू द बीरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट या जिसका भी नाम नाल संबंधित इंस्ट्रूमेंट है उसनू इसकी पेमेंट करे, आने वाले समय दे विच भुगतान करे। इहदे विच डेट भी मैंशन होंदी है कि कदों कदों यह भुगतान किया जाए। ये ऑर्डर है पे करन दे लई किसी व्यक्ति नू। हुण आपां अकाउंटिंग परपस तो सोच के देखते हैं कि कोई ऑर्डर कदों कर सकता है, आपां इहदे बारे अगे गल करते हैं। फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ ध्यान रखो, इट शुड बी इन राइटिंग, लिखती होना चाहिए, ऑरल नहीं हो सकता कि आखिर मौखिक रूप दे विच कहता। इट इज़ एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, एक हुक्म है भुगतान करने के लिए। इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर, कोई शर्त लागू नहीं होंगी, अनकंडीशनल है। ऑर्डर कंटेन अ सर्टन अमाउंट टू बी पेड, ऑर्डर से भी लिखा होता है किन्ने पैसे देने ने। मस्ट बी साइनड बाय इट्स मेकर, जिहड़ा इहनूं बनाने वाला है, ऑर्डर करने वाला उसते साइन करता है प्रॉपर। द डेट ऑफ पेमेंट शुड बी सर्टन, इस दे विच भुगतान की जिहड़ी डेट है वह निश्चित होनी चाहिए है। अमाउंट पे मस्ट बी पेएबल आइदर टू द सर्टन पर्सन और हिज ऑर्डर टू द बीरर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हाँ, जिहड़ा भुगतान है या तो उस व्यक्ति नूं जिहड़ा बनाने वाला है उसनूं करे, जिहड़ा बिल नूं बनाने वाला है, या उसके ऑर्डर ते किसी व्यक्ति नूं भुगतान करे। ये सारियां फीचर्स ने बिल ऑफ एक्सचेंज दियां। उस तो बाद गल करते हैं पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज दी पार्टीज केड़ियां केड़ियां ने? पर एक गल ध्यान रखो डियर स्टूडेंट्स कि जदों असीं बिल्स ऑफ एक्सचेंज दा बेसिक समझ लांगे कि एक इंस्ट्रूमेंट है, हुण दिमाग च क्वेश्चन पैदा होंदे होणगे कि अकाउंटेंसी दा की मतलब बन गया। ये मैं दसदा तुहानूं, बिजनेस दे विच हर बार कैश पेमेंट होवे, कैश ट्रांजैक्शनस होण ये जरूरी नहीं। क्रेडिट इज़ द बेस ऑफ एनी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, बिना उधार तो कुछ भी काम नहीं चलता। बिजनेस भी जो उधार परचेज ते सेल होंदी है, क्रेडिट सेल और परचेज जो होंदी है, तो पैसे की पेमेंट कुछ देर बाद होनी है। इस चीज़ के लिए उन्होंने आपसी समझौता होया है लीगली के पैसे कुछ देर बाद दिते जाएंगे। कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन होनी का जरूरी सी। जिहड़ा भुगतान 3 महीनों बाद करना है, 6 महीनों बाद करना है, जो व्यक्ति वस्तुओं को क्रेडिट परचेज करके लेके गया सेल करने वाले तो उस हालत दे विच कोई ना कोई दोनों दे विच एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन दे रूप दे विच, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट दे रूप दे विच जिहड़ा डॉक्यूमेंट काम आंदा है, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जिहड़ा सेल करन वाला है वो परचेज करन वाले नूं, क्रेडिट परचेज करन वाले नूं एक ऑर्डर करदा है कि वो इन्ने अमाउंट दी वैल्यू दी जिहड़ियां चीज़ां वह प्राप्त कर चुका है ते उहनूं इन्ने रकम वो वापस करेगा, एक निश्चित समय तो बाद इन्ना भुगतान करेगा। ऑर्डर किया जाता है इहदे विच सेल करन वाले द्वारा परचेज करन वाले नूं। किहड़ी सेल ते परचेज? जिहड़ी क्रेडिट होवे ते भुगतान कुछ देर बाद होना है ते परचेज करन वाला उहनूं एक्सेप्ट कर लैंदा है ते बाद दे विच जदों उसदी ड्यू डेट आंदी है, जिस दिन उहने पेमेंट करन दा वादा कीता होया हुंदा है जां ऑर्डर कीता होया हुंदा है, जिहड़ा नॉट वादा ऑर्डर कीता होया हुंदा है, तां उस डेट नूं उहदा भुगतान हो जांदा है। इस सारे प्रोसैस नूं देखदे होए पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज आपां इहदे बारे गल करदे हां। बिल ऑफ एक्सचेंज दीआं बेसिकली 3 पार्टीज ने, 3 पार्टीज ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रार, ड्रार की हुंदा है? बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रान अपॉन द बायर और डेटर बाय द सेलर और क्रेडिटर। यस, बिल ऑफ एक्सचेंज नूं ड्रा करन वाला, बनान वाला सेलर या क्रेडिटर है जिसने सेल कीती है। ते किस दे उत्ते ड्रा करदा है? वो लिखदा किस दे उपर है? बायर या डेटर दे उत्ते, जिहड़ा उन्हां वस्तुओं नूं उधार खरीदण वाला है या जिन्हों असीं कह सकदे जिस तों पैसे लेने ने सैलर ने, तां ओह डेटर हो गया, उस दे उपर ड्रा कीता जांदा है। ड्रार इज द परसन हू मेक्स द बिल। जिहड़ा इस बिल नूं ड्रा करदा है ओह ड्रार कहांदा है, जिहड़ा इस बिल नूं बनांदा है तां ही उहनूं ड्रार कहिंदे ने। एंड द ते बिल ड्रा कर दिंदा है ओह। द ड्रार इज टू रिसीव द मनी फ्रॉम द डेटर। ते ड्रार ने पैसे प्राप्त करने हुंदे ने उस डेटर तो जिसनूं यह हुक्म किया जाता है ड्रार के द्वारा टू पे द मनी। क्लीयर हो गया? नेक्स्ट, ड्राई। ड्राई कौन हुंदा है? ड्राई इज द पर्सन ऑन हूम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रान। ड्राई वह व्यक्ति है जिस दे लई जां जिस दे उपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखिया जाता है। सो ड्राई इज द पर्सन हू इज द परचेजर ऑफ गुड्स। ड्राई वह व्यक्ति है जिसने उधार चीज़ां खरीदियां होंदियां ने। द ड्राई इज आल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर, ते उहनूं एक्सेप्टर भी कहंदे ने। ही राइट्स द वर्ड एक्सेप्टेड एंड साइनड इट। ओह बिल ऑफ एक्सचेंज दे उत्ते एक एक्सेप्टेड नाम दे शब्द दी स्टैंप लगांदा है ते उसते साइन करदा है कि हाँ मैं पैसे देने ने। दिस प्रोसैस इज नॉन एज एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। BOE दा शॉर्ट फॉर्मेशन लिख रखा है मैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। इस सारे प्रोसैस नूं बिल दी एक्सेप्टेंस का नाम दिता जाता है। बिल ड्रा किया ड्रार ने, ड्राई नूं ऑर्डर किया, ड्राई ने एक्सेप्ट कर लिया कि यस आई विल पे। आफ्टर एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। जदों तक बिल ऑफ एक्सचेंज के उत्ते ड्राई की एक्सेप्टेंस नहीं आती उदों तक उसदा कानूनी रूप नहीं होंदा, पर जदों उसकी एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो बिल ऑफ एक्सचेंज की बन जाता है, एक कानूनी डॉक्यूमेंट बन जाता है। आफ्टर दैट ड्राई वांट्स टू बाइंड्स टू ऑनर द बिल ऑन ड्यू डेट। इस तो बाद जिहड़ा ड्राई आ वह कानूनन रूप दे विच बिल ऑफ एक्सचेंज दी पेमेंट जो उस चों नूं हुक्म कीता होया हुंदा ड्यू डेट नूं पे करन दे लई बाइंड हो जांदा है, ओह बन जांदा उहदे विच कानूनी समझौते दे अनुसार। नेक्स्ट स्टूडेंट गल करदे हां, तीसरी पार्टी कौन है? पेई। द परसन टू होम द पेमेंट इज मेड। जिस नूं पेमेंट कीती जांदी है वह पेई हो गया। तो दिमाग च आंदा होएगा भी जिन्हें हुक्म कीता उही पेमेंट लेगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ पे टू द बीरर और ऑन हिज ऑर्डर। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਡਰਾਈ ਨੂੰ। इन मैक्सिमम केसिस ड्रार इज द पे। हाँ यस, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਰ ਹੈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ पे ਹੀ ਹੈ। When he keeps the will till the date of maturity। ਜਦੋਂ date of payment ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ date of maturity ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਡਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਪੇਈ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਜ਼ ਇੰਡੋਰਸ ਟੂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ। या सो मैं कह चुके हैं कई बार बिल अगे इंडोर्स कर दिता जाता है किसी होर दे नाम से ट्रांसफर कर दिता जाता है, दैन द इंडोर्सी कौन हो गया, टू होम इट इज इंडोर्सड, जिन्हों ये बिल इंडोर्स किया जाता है। इंडोर्स करना मतलब जिस दे नाम से ट्रांसफर करता कि पेमेंट उसनों की जाए उन्होंने असं इंडोर्सी कहते हैं, तो जोड़ा इंडोर्सी है विल बी द पेई, तो पेई वो इंडोर्सी बन जाएगा जिदे नाम के उत्ते बिल ट्रांसफर कर देंगे ने इंडोर्स कर देंगे ने, उस परसन को इंडोर्सी कहते हैं। उस केस दे विच इंडोर्सी ही पेई हुंदा है, पेई मीनस जिसनों फाइनल भुगतान किया जाना है। क्लीयर हो गया भी। यस स्टूडेंट्स, इस ढंग दे नाल बिल ऑफ एक्सचेंज का जिहड़ा सर्कल है ड्रा ड्राई ते पेई तीन पार्टीज दे विच इहदा सारा प्रोसैस पूरा हो जाता है। एक गल ब्रीफ दे विच इक वारी फिर मैं रिवीजन दिंदा, पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जी असीं शॉर्ट फॉर्म च देखीए द परसन हू इशूज द बिल ऑफ एक्सचेंज, जिहड़ा बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करदा है जां लिखदा है उहनूं असीं ड्रार कहंदे हैं। द परसन टू हूम द बिल ऑफ एक्सचेंज इशूड, जिसनूं बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया जाता है, जिसनूं पेमेंट करने के लिए हुक्म दिता जाता है उस पार्टी को असीं ड्राई कहते हैं। द परसन टू होम पेमेंट इज मेड, जिसनूं फाइनल पेमेंट की जाती है उस पार्टी का नाम की होंदा है बिल ऑफ एक्सचेंज दे पार्टीज दे अकॉर्डिंगली दैट इज पेई। सो दीज आर द थ्री पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा ड्राई एंड पेई, याद रखियो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, आओ भाई की एग्जाम्पल ना करते हैं। एक बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है किस तरह लिखा गया होंगे, ध्यान नाल पहला इनू पढ़ लो। न्यू दिल्ली 15 अगस्त 2016, विकास ₹5,000, 3 months आफ्टर डेट पे टू मी, 3 महीने बाद दी डेट तो बाद, 3 months आफ्टर डेट आ वाली डेट जी 15 अगस्त 2016 लिखी हुई है, इस तो 3 महीने बाद पे टू मी या तो मैनू और माई ऑर्डर या मेरे हुक्म के अनुसार पे करे द सम ऑफ ₹50,000 ओनली, 50,000 रुपए केवल फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, जिस दे लई ओह मुल प्राप्त कर चुके हैं। बड़ा टेक्निकल शब्द ने, मैं समझाना इनू। एक कौन लिख रहा है, साइंड किने कीते, विकास ने, समझ लग गया। 128 करोड़ बाग न्यू दिल्ली, विकास जड़ा है बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रहा है। सो विकास इज द ड्रार, ओके। जे बिल ऑफ एक्सचेंज अपने को रखता है एंड पेमेंट इनू मिलती है तो जड़ा विकास है वह पेई भी हो सकता है। जेकर वह हुक्म कर दिंदा है ड्राई नू कि वह किसी होर नू भुगतान कर दे, तो उस हालत दे विच जड़ा बिल ऑफ एक्सचेंज का पेई है वह तीसरी पार्टी बन सकती है। टू एक किनू हुक्म दिता गया, निश्चय 10/4 माल एवेन्यू न्यू दिल्ली, निश्चय नूं यह हुक्म दिता विकास ने कि जाता 3 महीने बाद जड़ा अमाउंट 50,000 है वह मैनू पे कर दे या मेरे ऑर्डर के अनुसार जिसनों मैं कहूँगा। तो निश्चय ने की कीता, जो पोस्टल जो स्पैसिफिक स्टैंप होंदी है एक लीगल स्टैंप जिन्हों टिकट कहते हैं, वह लगा के उहदे एक्सेप्टेड शब्द लिख के जब स्टैंप लगा के नीचे साइन करता निश्चय 15/8/2016 माल एवेन्यू न्यू दिल्ली वाले ने। हुण ध्यान नाल देखो, क्योंकि निश्चय ने बिल एक्सेप्ट किया, इहदा मतलब विकास ने बिल निश्चय के उपर लिखा सी, उहनूं हुक्म दिता सी कि पेमेंट की जाए, तो निश्चय इज द ड्राई। ये ध्यान रखियो, निश्चय कौन हो गया, ड्राई। क्लीयर हो गया। हुण इहदे विच इक शब्द आया सी फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, इहदा मतलब की हुंदा। 50,000 पे कर दे दा मतलब यह नहीं कि इस तरह ही पे कर दे, नाल इस दे विच एक शब्द लिखा हुआ है कि पेमेंट तू इसलिए करनी है क्योंकि इसकी वैल्यू तू पहला प्राप्त कर चुके है, मीनस गुड्स सेल कीतियां सी क्रेडिट, ओनियां वैल्यू दियां गुड्स वो प्राप्त कर चुके है, इसलिए पेमेंट करनी है। यह ड्रा ड्राई नू ऑर्डर करता है, सैलर जड़ा बायर है परचेज करने वाला है उन्हें ऑर्डर करता है। दैट इज द फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जो निश्चय जड़ा ड्राई है उहदे ते एक्सेप्टेड शब्द करके साइन कर दिंदा है, दिस मीनस उहने हुक्म मान लिया कि वह पेमेंट करेगा, तो यह लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लीयर। ये स्टूडेंट्स हुण इहदा बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा हुंदा, मैं बार-बार कर रहा सी, ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट नूं पेमेंट करदे। ड्यू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी की हुंदी है बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज अ डेट ऑन विच पेमेंट इज एक्सपैक्टेड और ड्यू, जिस डेट नूं पेमेंट की जानी है भुगतान मिलना हुंदा है या ड्यू होना हुंदा है मिलने वाला, उस डेट नूं असीं ड्यू डेट या डेट ऑफ मैच्योरिटी का नाम दिंदे हैं। हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। जे असीं न्यूमेरिकल करने सीखांगे नैक्सट वीडियोज़ दे विच तां सानूं इहदी ड्यू डेट की कैलकुलेशन आनी चाहिए है। For this add 3 days to the period of bill। जो bill का period बंद है हुक्म के अनुसार 3 महीने बाद 4 महीने बाद पेमेंट करन दा, उहदे विच 3 दिन ऐड किए जाते हैं ड्यू डेट कैलकुलेट करन दे लई। These 3 days are known as days of grace, इनू days of grace कहते हैं। तो ड्यू डेट इज आल्सो नोन एज डेट ऑफ मैच्योरिटी। ये भी ध्यान रखियो ड्यू डेट नू डेट ऑफ मैच्योरिटी का नाम भी दिता जाता है जिस दिन बिल की पेमेंट होनी होंदी है। हुण डियर स्टूडेंट ध्यान रखो किन्ने महीने बाद किन्ने दिनों बाद पेमेंट करनी है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट च लिखा हुआ सी, पर जो असीं ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है जिन्ने महीने या दिने दिनों की कंडीशन होंदी है वो ऐड करन तों बाद उस 3 दिन होर जोड़े जाते हैं। इनू रिस्क का पीरियड भी कहते हैं। हो सकता है भुगतान करने से कदे दिन की देरी हो जाए, ट्रांसफर पैसों की पेमेंट दे विच मुश्किल हो जाए, क्योंकि पुराने टाइम से ई बैंकिंग का होंदी नहीं सी कि क्लिक किया नाल दी नाल पेमेंट होगी। और रिस्क कवर करने लिए 3 दिन इस डेज ऑफ ग्रेस ऐड किए जाते हैं। ट्रांसफर दे विच टाइम लग सकता है पैसों की, इस ढंग दे नाल जिहड़े 3 दिन ने दीज डेज आर कॉल्ड ग्रेस डेज। 3 दिन जोड़े जाते हैं ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए। क्लीयर। आओ हुण आपां एग्जाम्पल करते हैं हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट्स। डेट ऑफ बिल, मान लो बिल की जिहड़ी डेट सी लिखण दी 24 मई 2019 24 मई 2019 1 महीने का पीरियड सी, तो नैचुरली 24 मई तो 24 जून 1 महीना पूरा हो गया। 3 दिन ग्रेस के जोड़े विच तां 24 ते 3 27 जुलाई 1 महीना है। ये गलत है, इत्थे मई है तो इत्थे की होना चाहिए सी जून। यस ये रिटर्न मिस्टेक है क्लैरिकल। यस जून 27 जून 2019 ड्यू डेट हो। क्लियर। यस जे 2 महीने होंगे फिर 27 जुलाई सी, फिर ये ठीक सी। नैक्सट वन 31 जनवरी 2020 1 जनवरी 2020 31 जनवरी है 31 जनवरी 2020 1 महीने का पीरियड है पेमेंट करन दा, तो नैचुरली 31 जनवरी तो जिहड़ा 1 महीना है, जनवरी तो बाद नैक्सट मंथ केड़ा हो गया फरवरी, फरवरी कंप्लीट हो गया महीना पूरा हो गया, तो नैचुरली 3 दिन ग्रेस दे जोड़ो तो ड्यू डेट कितनी बन गई 3 मार्च। 1 दिसंबर 2019 मान लो डेट ऑफ बिल सी, 3 महीने का पीरियड है, तो की करांगे असी 1 दिसंबर टू 1 जनवरी 1 महीना, 1 जनवरी टू 1 फरवरी 2 महीने, 1 फरवरी टू 1 मार्च 3 महीने, तो 1 मार्च बन गए 3 महीने नाल। बिच 3 दिन ग्रेस दे जोड़े जो ऐड किए तो 4 मार्च 2020 साढ़े को ड्यू डेट आ गई। 29 अप्रैल 2019 60 डेज। ध्यान नाल 29 अप्रैल नू बिल लिखा गया, 1 दिन अप्रैल का रह गया सी बाकी, क्योंकि 60 डेज ने हुण मंथ नहीं है कि जे इस तरह डेज हुण किवें कैलकुलेट करने ने। अप्रैल 30 दिनां दा हुंदा है, 1 दिन अप्रैल का, 31 दिन मई दे ते 28 दिन जून दे। ध्यान नाल ये तिन्ना नू मिला के 60 दिन बन गए। बिच 3 दिन ग्रेस दे भी ऐड करने सी। 28 जून तो बाद 3 दिन किहड़े हो गए 29 जून 30 जून ते 1 जुलाई। इहदा मतलब ड्यू डेट कितनी आ गई 1 जुलाई 2019। अगे 31 अगस्त 2019 30 दिन ने, 31 अगस्त तो बाद 30 दिन सितंबर दे ही हो गए। सितंबर भी 30 दिनां दा हुंदा है, तो पूरा 30 सितंबर हो गया। बट 3 दिन ग्रेस दे, सितंबर तो नैक्सट मंथ केड़ा हो गया 3 दिन अक्टूबर दे हो गए ग्रेस जेडे असीं लाने डेज ऑफ ग्रेस, तो ड्यू डेट कितनी बन गई 3 अक्टूबर 2019। कुछ ध्यान रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जोड़ा मैं लिख रहा है इंपॉर्टेंट। इफ एमरजेंसी हॉलीडेज हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑन ड्यू डेट their due date will be 1 day later। जेकर अचानक छुट्टी बाद अनाउंस हो जाए ड्यू डेट पहला निश्चित हुई होवे तां उस हालत च जेहड़ी ड्यू डेट है वो 1 दिन अगे एक्सटेंड हो जाती है। उस तो इलावा इफ ड्यू डेट इंक्लूडिंग द डेज ऑफ ग्रेस फॉल्स ऑन संडे और गजटेड हॉलीडे द ड्यू डेट विल बी 1 day अर्लीयर। यस ध्यान रखो जेकर ड्यू डेट जो असीं फिक्स की 3 दिन ग्रेस दे ऐड करके वो संडे नूं आ रही है ਜਾਂ ਗਜ਼ਟਡ ਹੋਲੀਡੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਊ ਡੇਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਊ ਡੇਟ ਆ ਗਈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਜ਼ਟਡ ਹੋਲੀਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਊ ਡੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਹੜੀ ਆਏਗੀ 25th ਆਫ ਜਨਵਰੀ ਆਏਗੀ। क्लियर। जे एमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए कोई छुट्टी ड्यू डेट वाले दिन तो एक दिन बाद होंदी है ड्यू डेट, जेकर संडे या गजटड होलीडे होवे तां एक दिन पहला दी ड्यू डेट होंदी है। आपां इहदी वी कुछ एग्जाम्पल देखो। मान लो 23 अक्तूबर 2019 है, 3 महीने का पीरियड है। ध्यान नाल 23 अक्तूबर तो 3 महीने, 23 अक्तूबर तो 23 नवंबर, 23 दिसंबर ते 23 जनवरी। यस, तो उस तो बाद 3 दिन ग्रेस दे 23 जे असीं 3 एड करांगे तो 26 जनवरी बन गई। पर 26 जनवरी नूं की है इज द नैशनल होलीडे तो नैचुरली उस तो एक दिन पहला ड्यू डेट आएगी दैट इज 25th जनवरी 2020। 27 नवंबर 2019, 3 महीने। ध्यान नाल 27 नवंबर 2019 तो 3 महीने, 27 नवंबर तो बाद 27 दिसंबर 1 महीना, 27 जनवरी 2 महीने, 27 फरवरी 3 महीने। ते 2020 है फरवरी किन्ने महीनों दी सी तो उस तो बाद 27 तो बाद 28 ते 29, 28 ते 29 2 दिन हो गए, 1 दिन ग्रेस दा होर तो यदी डेट जी बन रही है 1 मार्च बनेगी। ध्यान रखियो 2 मार्च नहीं बनेगी 1 मार्च, कारण की 27 फरवरी तक बन गए 3 महीने पूरे हो गए। फरवरी जे 28 दी होंदी, मान लो ये 2020 ना होके 2019 होंदा फिर 2 मार्च ठीक सी, ठीक है। पर हुण सानू पता है 2020 लीप ईयर है, फरवरी दे 29 दिन होंदे ने, 2 दिन फरवरी दे ते 1 दिन मार्च दा, 3 दिन ग्रेस दे ऐड होए तां 1 मार्च बन गया। 12 जुलाई 2019 3 महीने, 12 जुलाई तो लेके अगस्त सितंबर अक्टूबर 12 अक्टूबर तक 3 महीने हो गए। लेट्स 15 अक्टूबर एमरजेंसी हॉलीडे, ध्यान रखियो मान लो 15 अक्टूबर एमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर होगी, 12 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਡ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੌਲੀਡੇ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਡੇਟ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੌਲੀਡੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਲੀਡੇ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸੰਡੇ ਹੈ, जेकर एमरजेंसी हॉलीडे है तो नैक्सट डेट ड्यू डेट बन जाती है 25 दिसंबर 2018 2 मंथ। 25 दिसंबर तो बाद 1 महीना 25 जनवरी, फिर उस तो बाद 1 महीना 25 फरवरी 3 दिन ग्रेस दे ऐड कीते 28 फरवरी 2019। दीज आर द ड्यू डेट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखो स्टूडेंट्स। ते हुण असीं गल करदे हां प्रोमोसरी नोट दी। प्रोमोसरी नोट इज अ लीगल फाइनेंशियल टूल डिक्लेयर बाय अ पार्टी promising another party to pay the debt on a particular date. It is a written agreement signed by drawer with the promise to pay the money on a specific date whenever demanded. Promissory note भी एक कानूनी दस्तावेज है, एक फाइनेंशियल टूल है जिहड़ा उस पार्टी द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, प्रोमिस किया जाता है दूसरी पार्टी नूं कि उसके पैसे इन्ने समय बाद पे कर देगा। इहदे विच पे करन दा वादा कीता हुंदा है, प्रोमिस कीता हुंदा है, दैट इज वाई दिस वन इज कॉल्ड प्रोमिसरी नोट। इस दे विच जेहड़ा ड्रार है वह प्रोमिस करता पे करन दा, ऑर्डर नहीं करता बिल ऑफ एक्सचेंज। तां जेहड़ियां पार्टीज वो प्रोमिसरी नोट ने दो ने, मेकर और ड्रायर। द मेकर और परसन हू मेक्स और साइंस द प्रोमिसरी नोट जेहड़ा इहनूं बनांदा जां साइन करदा ते प्रोमिस करदा है कि डेट ऑफ मैच्योरिटी नूं पे कर देगा। ही एग्रीज टू पे द अमाउंट ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी। पे जां ड्राई कौन हुंदा? द परसन इन दिस हूज फेवर द प्रोमिसरी नोट इज ड्रान इज कॉल्ड ड्राई और पे। जिहदे फेवर दे विच वादा किया जाता है कि पेमेंट कर देगा वह कौन हुंदा? पे जां ड्राई, जिन्होंने पेमेंट करनी है ड्रार ने। तो फॉर्मेट ऑफ प्रोमिसरी नोट देखो, मान लो सनी कुमार है, इधरों साइन कर रहा है सनी कुमार। सनी कुमार कौन हो गया? मेकर हो गया, इनू बनाने वाला ड्रार। वह वादा कर रहा है कि मलिक राम नू की वादा कर रहा है 4 months आफ्टर डेट, इस डेट तो 3 नवंबर 2020 तो 4 महीनों बाद, आई प्रोमिस टू पे श्री मलिक राम और ऑर्डर ए सम ऑफ रुपीज 5000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। 5000 देने का मैं वादा करदा 4 महीनों बाद। सनी कुमार कह रहा भी मैं नहीं देने पैसे। सनी कुमार वादा कर रहा कि 4 महीनों बाद मैं 5000 रुपया दे दूंगा जिसकी वैल्यू मैनू मिल चुकी है। दिस मीन वो चीज़ा क्रेडिट बाय कर चुके हैं, उन्होंने पेमेंट करनी है 4 महीनों बाद। यह है प्रोमिसरी नोट। क्लीयर हो गया। ਜਿਹੜਾ ਮਲਿਕਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੇਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਨੀ ਕੁਮਾਰ ਡਰਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਕਰ ਜਾਂ ਡਰਾਰ ਤੇ ਪੇਈ। ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਰ ਹੀ ਪੇਈ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬਟ देयर आर थ्री ਪਾਰਟੀਆਂ, ਡਰਾਰ, ਡਰਾਈ ਐਂਡ ਪੇਈ। ਮੇਕਰ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਦਾ ਪੇਈ, ਇੱਥੇ ਮੇਕਰ ਪੇਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਰਾਰ ਐਂਡ ਦਾ ਪੇਈ ਮੇ ਬੀ ਵਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੇਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਮੇਕ ਪੇਮੈਂਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਰਡਰ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਨੋ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਰਿਕੁਆਇਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਈਨਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪਰਸਨ ਹੂ ਲਾਇਬਲ ਟੂ ਪੇ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ। ਡਰਾਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਸੋ ਇਟਸ ਐਕਸੈਪਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਡਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਅ ਮੇਕਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਐਬਸੋਲਿਊਟ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਦਾ ਡਰਾਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਂਡ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ, ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਡਰਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਡਿਸਓਨਰ, ਨੋ ਨੋਟਿਸ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੂ ਦਾ ਮੇਕਰ, ਜੇਕਰ ਬਿਲ ਡਿਸਓਨਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਡਿਸਓਨਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡਿਸਓਨਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਸਟ ਵੀ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਦਾ ਹੋਲਡਰ, ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਿਸਓਨਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਓਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਓਨਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ उसनू भी देख सकते हो। इस चैनल पर ऑलरेडी इकोनॉमिक्स से कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारिया वीडियोज़ ने, तुसी उन्होंने भी देखो। टिल दैन थैंक यू वेरी मच।